नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चीजों को पेश करने के लिए जो आदेशिकाएं हैं उसके आगे के पार्ट को देखेंगे। जैसा कि इसको पेश करने के लिए जो दो चीज बताए गए थे, समन और वारंट, तलाशी वारंट, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। उसका दो पार्ट और है कि तलाशी का वारंट जो है उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके संबंध में आज का यह वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि मेरे द्वारा जो ई बुक पब्लिश कर दिया गया है उसका पार्ट वन, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसे डाउनलोड करें। उसमें परीक्षा उपयोगी सारे सवाल और तथ्यों का संग्रह है। साथ ही साथ उसका पार्ट टू जो है उसकी भी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द आपके पास जो पार्ट टू वाला हिस्सा है जिसमें RPF रूल और माइनर एक्ट, इन सारे तथ्यों का संग्रह है, और वहां से भी सवाल आपके जो बनेंगे, संभवतः महत्वपूर्ण सवालों का जो संग्रह है उसे किया जा रहा है। तो चलिए आते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे तलाशी संबंधी साधारण उपबंध के बारे में, कि जो जनरल प्रोविजन दिया गया है रिलेटिंग टू सर्च, कि सर्च का प्रोविजन है कि सर्च वारंट अगर मिल गया है तो कैसे उसे हम क्या क्या चीज करेंगे। तो इसमें आज के वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 100 है, बंद स्थान की तलाशी। उसके बारे में पूरा डिटेलिंग करेंगे। बाकी दो सेक्शंस नॉमिनल है, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ इसके हेडिंग के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन 99 है, जिसमें कहा गया है तलाशी वारंटों का निर्देशन, मतलब डायरेक्शन ETC ऑफ सर्च वारंट। डायरेक्शन ETC ऑफ सर्च वारंट से मतलब क्या है यहाँ पर? तो इस धारा में ये कहा गया है कि जो धारा 93, 94, 95, 97 इसके तहत जो भी सर्च वारंट निकला हुआ है, इस सर्च वारंट के लिए हम क्या करते हैं, इस सर्च वारंट में वो सारे डायरेक्शंस कहाँ कहाँ के फॉलो होंगे। तो इसमें कुछ सेक्शन दिया हुआ है कि सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79, जो इन धाराओं में जो डायरेक्शन दिए गए हैं, उसका फॉलो अप इस धारा के तहत किया जाएगा। मतलब कि आप सीधा सीधा जान लें कि यहाँ 70 से जो शुरू होता है तो ये तो वारंट से रिलेटेड ही धाराएं हैं, ये आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वहां से जाके वारंट वाला वीडियो जरूर देखें। और जो सेक्शन 38 है इसमें भी ये बताया गया है कि वारंट जो पुलिस अधिकारी को दिया जाता है वो उसके संबंध में क्या क्या कार्यवाही करेगा। तो ये जो धाराएं थी, सेक्शन 99 यही कहता है कि जो निर्देशन है तलाशी वारंट का, ये जो डायरेक्शंस हैं वो किस किस धाराओं के तहत फॉलो अप किया जाता है। तो संभवतः 99 धारा जो सेक्शन 99 है CRPC की, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगली जो धारा है वो धारा है 100, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 100। सेक्शन 100 के बारे में क्या कहा गया है, बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, ठीक है, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। मतलब कि सीधे सीधे जो है, सीधे सीधे शब्दों में यह कहा गया है कि जो बंद स्थान है उसका जो भारसाधक अधिकारी है, दैट मीन्स जो मालिक है या जो मालिकाना हक रखता है, उसे सर्च करने देने के लिए जो है वो तलाशी लेने देंगे उस बंद स्थान का। सिंपली सवाल यह भी पूछा जाता है कि बंद स्थान की तलाशी जो है किस धारा में उसके प्रक्रिया का वर्णन है, तो वो है धारा 100 में। तो इस धारा 100 में 8 क्लॉज हैं, 8 क्लॉजेस के की पॉइंट्स, जो की टर्म है उसको आप याद कर लेंगे तो आपको ये धारा कहीं पर भी डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना हो तो बहुत आसानी से लिख देंगे। तो चलिए 8 पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्या, कि जो भारसाधक व्यक्ति है, उस स्थान का
वो भार साधक व्यक्ति क्या करेगा, तलाशी के लिए जो भी चीज चाहिए या तलाशी में मदद करेगा। सीधा सीधा बात शॉर्ट में याद रखें, फर्स्ट क्लॉज कहता है कि जो भार साधक अधिकारी, भार साधक व्यक्ति है, नॉट अधिकारी, भार साधक व्यक्ति है, जैसे मेरा मकान है, मैं उस मकान का भार साधक व्यक्ति हूँ। आपको हम उदाहरण अगर दे फिल्म का, तो आप लोगों ने रेड मूवी देखी होगी अजय देवगन की, उसमें तलाशी जो है, उसमें तलाशी का जो प्रोसीजर है बहुत ही यूनिक वे में दिखाया गया है। आप जरूर उसको आप देखें, उस वीडियो क्लिपिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि रेड में तो सबसे पहले क्या होता है, अजय देवगन जाता है और उस एमपी के घर पर जाता है और उस भार साधक व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि मैं सर्च वारंट लेकर आया हूँ आपके यहाँ, हमें तलाशी लेने दें। तो वो क्या एमपी है, एमपी पहले तो नानुकूल करता है लेकिन फिर जो है वो उसमें सहमति देता है। दूसरा पॉइंट आप वहीं से निकालेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे नंबर पे ये कहता है कि मान लेते हैं, दूसरे नंबर पे कहा है कि मान लेते हैं कि वो भार साधक व्यक्ति एंट्री नहीं करने देगा, एंट्री नहीं करने देता है, या हम उस नॉमिनल जो नॉर्मल तरीका है उस तरीके से उस घर में एंट्री नहीं कर पाए, तो उसके लिए उपबन दिया है कि सीआरपीसी की धारा 47 के 2 में जो उपबंध है, इस उपबंध के तहत उसमें एंट्री करेंगे। अगर आप धारा 47 उपबंध 2 के बारे में नहीं जान रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सीआरपीसी का, जाकर के जरूर वहां पर सारे वीडियोस देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सिंपल तौर पर अगर मैं बताऊं तो अगर वो आसानी से नहीं घुस सकते हैं तो वो खिड़की दरवाजे या कोई भी अन्य साधन हो उससे इंटर करेंगे। तीसरा जो इसका क्लॉज है, तीसरे क्लॉज में कहा गया है कि अब आप वहां पर इंटर कर गए, इंटर करने के बाद आपको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है, संदिग्ध व्यक्ति, कि जिसके पास कोई चुराई हुई संपत्ति या कोई संदिग्ध वस्तु है, तो उसकी तलाशी लेगा। तो तीसरा कंडीशन ये कहा गया है कि संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेगा। अब जैसे संदिग्ध में क्या है, संदिग्ध कोई भी हो सकता है, संदिग्ध या तो महिला हो सकती है या पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब जो है अगर महिला है तो महिला का जो विशिष्ट तौर तरीका है, विशिष्ट तरीका जो है उसमें उसे फॉलो किया जाएगा, सारे नॉर्म्स उसके फॉलो किए जाएंगे अगर महिला पर संदेह होता है। तीन क्लॉज क्लियर हो गए होंगे। चौथा जब आते हैं तो चौथा आप देखिएगा कि फिर अजय देवगन जो है उसमें ये कहता है कि आप अपने मनचाहे दो व्यक्ति को गवाह के तौर पर रख लीजिए। रेड मूवी में यह जवाब बोलता है कि आप अपने मनचाहे दो व्यक्ति को गवाह के लिए रख सकते हैं। जी हाँ, यहां पर भी यही कहा गया है चौथे क्लॉज में कि दो इंडिपेंडेंट गवाह, दो गवाह रखने हैं लेकिन वो भी स्वतंत्र। ठीक है, अगर स्वतंत्र नहीं मिलता है गवाह, कोई स्वतंत्र नहीं आता है गवाही देने के लिए, तो लिखित प्राधिकार दे करके दो गवाह को वहां लाया जाता है। इसके बाद जो कंडीशन क्या है, जब गवाह आ गया तो उसके बाद जो है उन दोनों गवाहों के साथ जो है तलाशी शुरू होगी और जो भी चीज तलाशी में मिलेगी, जो भी चीजें मिलेगी उसका सूची तैयार किया जाएगा। सूची तैयार करके आप देखेंगे रेड मूवी में कि एक जगह पर पे है, मास्टर जी उनसे साइन कराते हैं, तो हेडमास्टर को बुलाया गया है, तो वो हेडमास्टर क्या कहता है कि आप सर साइन तो करवा रहे हैं फिर ये चीजें इनको मिल जाती हैं, यहाँ करप्शन इतना ज्यादा है, तो वो फिल्म का मुद्दा है और जो भी चीजें हों, लेकिन ये कहा गया है कि इंडिपेंडेंट वाले हैं, विटनेस जो है वो उनके साथ रहते हैं, सूची तैयार होती है और सूची पर वो साइन करते हैं। साथ ही साथ जो है छठा क्लॉज ये कहता है कि जो भार साधक व्यक्ति है, जिसके यहाँ तलाशी कर रहा है भार साधक व्यक्ति, या तो वह स्वयं रहेगा या अपना कोई प्रतिनिधि साथ में रखेगा, तो उन सारे लोगों को लिए भी
वो भी साथ साथ में घूमेगा, जो भी चीजें सीज होंगी, सीज वारंट, सीज का जो सीजर लिस्ट बनेगा उसकी एक प्रति उसको दी जाएगी। इसके बाद जो है 6 क्लॉज हो गए। सातवां क्लॉज इसमें यह है कि जो यहाँ तीसरे उपबंध में, यहाँ देखिएगा इसी धारा के तीसरे उपबंध में जो तलाशी ली गई है इसकी भी सूची तैयार की जाएगी, सूची तैयार की जाएगी और इसकी एक सूची जो है किसको, जिसकी तलाशी ली गई है उसको एक प्रति सौंपी जाएगी कि आपके आपके पोजीशन से, आपके पोजीशन से, अधिकार क्षेत्र से ये चीजें मिली है। एंड लास्ट वन जो आठवां कंडीशन है, आठवां कंडीशन ये कहता है कि जो इंडिपेंडेंट गवाह है, अगर जो इंडिपेंडेंट गवाह है अगर उसे लिखित प्राधिकार लेकर के गवाही के लिए बुलाया जाता है और वो गवाही और उसमें आने से, गवाही में आने से मतलब साक्षी बनने में नानुकूर करता है या इनकार करता है तो वो आईपीसी की धारा 187 का अपराधी होगा। मतलब कि आईपीसी के 187 धारा के तहत वह पनिशिबल ऑफेंस करता है। तो धारा 100 में जो 8 क्लॉज थे, एक एक क्लॉज को हम लोगों ने डीपली एनालाइज किया है और उसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार और रिवीजन करें, द फर्स्ट वन क्या होगा, भार साधक व्यक्ति उस स्थान में एंट्री के लिए और तलाशी के लिए सहयोग करेगा, दूसरा कंडीशन सहयोग नहीं करेगा। तो धारा 47 सीआरपीसी की धारा 47 की उपधारा 2 के तहत जो उपबंध है उस उपबंधों के तहत उस स्थान में एंट्री किया जाएगा। तीसरे कंडीशन में एंट्री करने पर कोई संदिग्ध अगर मिलता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसका सर्च किया जाएगा। एंड सर्च करने के बाद जो है चौथे कंडीशन पर इंडिपेंडेंट 2 गवाह मंगाया जाएगा और पांचवे कंडीशन पर वो इंडिपेंडेंट गवाह के साथ जो है सर्च की जाएगी और सर्च की एक सूची बनाई जाएगी बरामद सामान की और उसकी सूची तैयार करने पर उस पर हस्ताक्षर उनके लिए जाएंगे। और छठवें कंडीशन में यह कहता है कि जो भार साधक व्यक्ति है, चाहे वो रहे चाहे उसका कोई एक प्रतिनिधि उसके साथ रहे और सर्च में जो भी चीजें हो रही हैं वो भी उस पर सर्च, वो सर्च में जब्ती पर जो है साइन करे। सातवां कंडीशन ये कहा गया है कि जो तलाशी ली गई है इसी उपधारा के उपबंध के 3 के तहत उनके लिए भी सूची बनेगी, उसकी एक प्रति उसके व्यक्ति को भी दी जाएगी। और आठवां और अंतिम क्लॉज यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कार्य में जिसको गवाह के लिए जो गवाह के लिए लिखित प्राधिकार के तौर पर बुलाया गया है, लिखित सूचना देकर के अगर वो मना करता है तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 187 का अपराधी होगा। तो संभवतः धारा 100 आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। आगे जो अंतिम धारा है आज की इस वीडियो का 101, अधिकारिता से परे तलाशी में पाई गई चीजों का बयान, मतलब डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। अब ऐसा भी हो सकता है कि तलाशी का वारंट, जब हमने तलाशी का वारंट के बारे में पढ़ाया था या वारंट के बारे में पढ़ाया था उसमें बताया था कि अधिकारिता प्राप्त क्षेत्र से बाहर का जो वारंट इशू होता है उसको कैसे हम तामील करते हैं, तो उसके बारे में भी बताया था। ठीक उसी प्रकार से उसी तरह का तलाशी का वारंट यहाँ पर भी है, सर्च वारंट निकलता है अधिकारिता क्षेत्र से बाहर का तो क्या होगा, सर्च तो क्रिएट किया जाएगा, सर्च को एक्सिक्यूट किया जाएगा, सर्च में सामान अगर बरामद होता है तो यह कहा जाता है कि अगर न्यायालय वहां से दूर है, जो न्यायालय तलाशी का वारंट जारी किया है तो उसके नजदीक के मजिस्ट्रेट जो भी हैं उस अधिकारिता जगह के जहां पर सर्च कंडक्ट किया गया है, तलाशी का वारंट एक्सिक्यूट किया गया है, तो उसके नजदीक के मजिस्ट्रेट के पास जो है उन चीजों को रखा जाएगा और जब उसे यह लगेगा कि यह उचित समय है कि इसे न्यायालय में भेजा जाए तो वह उसे न्यायालय में पेश करवाता है। तो चीजों को पेश करने से संबंधित अधिकारिता का यह तीसरा पार्ट था। इस पार्ट में हम लोगों ने तलाशी के जो वारंट हैं, तलाशी संबंधी जो साधारण उपबंध हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में जाना। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अंत में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।